मॉर्निंग गाइस, आज है बुधवार, आज है शीतला माता का दिन। आज के दिन एक दिन पहले ठंडा खाना बनाना पड़ता है, फिर सुबह बासी खाना वही खाना माता जी को चढ़ाया जाता है। शीतला माता को ठंडा ही खाना चढ़ाया जाता है, क्योंकि वो कथा है, मैं आपको बाद में बताएगी शीतला माता की कहानी वो है। वो आज के दिन ठंडा खाना बनाना पड़ता है, बनाया है आज वो। अभी मैं पूजा करने जा रही हूँ। हेलो, मैं अभी पूजा करके आ गई हूँ। अभी घर पे भी मैंने दिया बत्ती वगैरह कर ली है, पूजा वगैरह कर ली है। ये देखिए, भगवान का पूजा पाठ वगैरह मैंने कर ली है यहाँ पे। अभी थोड़ी देर में खुशी नहाएगी, उसका आज बोर्ड का पेपर है, इसके लिए अभी मैं अब उसको बोल रही हूँ कि जाके नहा ले, तो नहा के रेडी हो जाएगी, फिर उसको भी दर्शन करा दूँगी माता जी के। अच्छा, मैं आपको थोड़ी देर बाद मिलती हूँ सब काम निवड़ के। अभी बज चुके हैं 10 घड़ी में। अभी खुशी जा रही है एग्ज़ाम देने और रेडी होके हम लोग नीचे आ गए। अभी वो लेने गए गाड़ी, अभी खुशी को पहले दर्शन करा देंगे, फिर छोड़ेंगे पेपर देने। अभी खुशी को सब लोग बोल दीजिए ऑल द बेस्ट, आज उसका मैथ्स 2 का पेपर है। मिलते हैं हम थोड़ी देर में आपको। ये महादेव जी का मंदिर, दीवान मन तालाब की इधर आ गए हम लोग। अभी खुशी जा रही दर्शन करने के लिए, यहाँ हमने पूजा की शीतला माता की। ये लोग मंदिर से बाहर आ रहे हैं, अभी जाएंगे खुशी को छोड़ने के लिए स्कूल में। बाइक पे है, ये है सेंट फ्रांसिस स्कूल। यहाँ पे एक बार माता जी ने ये सोचा कि मेरी पूजा कौन करता है, मेरे को कौन मानता है। इसके लिए वो स्त्री राजस्थान गांव के डूंगरी गांव में आई, वो गांव में चलने लग गई। तो गांव में चलते चलते एक जगह पे एक औरत ने वो जगह पे चल रही थी, तो फिर उन्होंने एक जगह पे एक किसी ने चावल का खोलता हुआ पानी माता जी के ऊपर डाल दिया। वो माता जी के ऊपर डालते ही वो उनका शरीर पूरा तपने लग गया, वो छाले उड़ गए उनके शरीर पर, तो पूरे गांव में दौड़ने लगी। फिर बोली वो सब लोगों को कि मेरे ऊपर कोई पानी डालो, कोई पानी डालो, मेरा पूरा शरीर पूरा तप रहा है। तो किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। तो एक झोपड़ी के बाहर एक कुमारन बैठी हुई थी, तो कुमारन बोली माता जी आप यहाँ बैठो, मैं आपके ऊपर जल डालती हूँ। तो कुमारन अपने घर से जल ले पानी लेके आई, तो वो माता जी के ऊपर डाला, तो माता जी का शरीर थोड़ा ठंडा हो गया। तो बोली माता जी आप मेरे रात की बनाई हुई राबड़ी बनाई हुई है, वो आप खाओ। तो वो उसने उसको माता जी की राबड़ी ला के दिए, तो माता जी ने वो खाई है, तो माता जी का शरीर पूरा ठंडा पड़ गया है। तो उनके ऊपर तो जो छाले वो आए हुए थे पूरे शरीर के ऊपर, वो सब चले गए उनके शरीर के ऊपर से। फिर वो बोली माता जी के मेरे ना शरीर में बहुत जुए हो गई है, तो वो निकाल दो। तो वो बोली तो माता जी आप बैठ जाओ, मैं निकालती हूँ आपके सर से जुए। तो फिर वो जुए निकालने लगी, तो वो उसने देखा कि उनके सर के पीछे भी एक आँख है। तो वो डर गई, तो वो फिर दौड़ने लगी। तो वो बोली बेटी तो रुक जा, भाग मत, मैं हूँ शीतला माता। तो फिर वो रुक गई, फिर उन्होंने अपने असली अवतार पर आ गई। फिर आई तो बोली माता तेरे को क्या चाहिए है बोल। माता जी बोली मैं आपको कहाँ बैठा हूँ, मेरे घर तो झोपड़ा है, मैं किधर कैसे बैठा हूँ मैं आपको। तो घर के बाहर ऊँट गधा था, तो वो गधे पे बैठ गई। तो फिर बोली माता जी बोली तुझे क्या चाहिए बोल। तो बोली माता जी मेरे गांव में आप रुक जाओ, इधर आपकी था मंदिर, आप पूरे गांव में आप रह जाओ इधर यहाँ। तो फिर वो बोली के तो बोली कि तेरे को क्या चाहिए बोल। तो फिर वो बोली कुछ नहीं। फिर माता जी गधे के ऊपर बैठ गई, तो एक हाथ में झाड़ू और एक हाथ में रबड़ी थी उनके। तो वो बोली कि पूरे मेरा घर ही पूरा दरिद्र से भरा हुआ है, तो जब सब झोपड़ा उसका साफ हो गया। तो फिर बोली माता जी के वो तो कि तू ये झोपड़ी पे ये पानी ठंडा जल छिड़क दे।
तेरी झोपड़ी नहीं जलेगी, पूरा नगर जलेगा लेकिन तेरी झोपड़ी नहीं जलेगी। फिर सारे जगह देखा तो सब लोग चिल्लाने ताई माम ताई करने लगे, क्योंकि माता जी का क्रोप हो गया था उनके ऊपर। तो फिर एक नगर राजा थे, राजा ने उनको बुलाया दरबार में कि सब लोगों का झोपड़ी जला और तेरा झोपड़ी क्यों नहीं जला। उसने बोला कि शीतला माता का मेरे ऊपर आशीर्वाद है, इसके लिए मेरा झोपड़ी नहीं जला। फिर क्योंकि उसको गर्म किसी ने उनको ठंडा पानी नहीं डाला, तो फिर वो राजा बोले कि फिर 7 दिन तक ठंडा बनाया जाएगा, किसी के घर 7वें दिन ठंडा बनाएंगे, 8वें दिन पूजा जाएगा, तो सारे नहीं 7 दिन कोई बाल धोएगा, सब लोग अक्ता पालेंगे, ना ही कोई बाल धोएगा, 7वें दिन माता जी का ठंडा बनाया जाएगा, मेला लगेगा। इसी प्रकार शीतला माँ उस दिन ठंडा खाना, एक रात दिन पहले ठंडा खाना बनाया जाता है, दूसरे दिन माता जी को वही खाना परोसा जाता है। उसी को तो इसी तरह शीतला माता की कहानी अपूर्ण है। उस दिन ठंडा ही खाना पड़ता है, ना ही गर्म खाने से माता जी का क्रोप हो जाता है। तो बोलिए शीतला माता की जय। अभी बनाने जा रही सैंडविच, खाना खा के बस अभी सो जाएंगे। आज के वीडियो में यही समाप्त करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आप मिलेंगे। आपको अगले वीडियो के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके बताना कि आपको आज का वीडियो आपको कैसे लगा। गुड नाइट।